नमस्कार, मैं साहिल और आप देख रहे हैं जनसारथी न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे लोकसभा 2024 में किसका पल्ला भारी होगा। तो आइए आम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या होने जा रहा है। राम मंदिर सबका है, कोई एक जने का नहीं है कि पार्टी का हो किसी का नहीं। देखो, पैसा तो बीजेपी पर ज्यादा है तो खर्चा वो ज्यादा कर लेगी। कांग्रेस से पैसा नहीं है, कांग्रेस के कागज खाते भी सीज कर दिए, तो उसका तो फिर बेचारे को जनता दिल से चाहती है, लेकिन है ना ऊपर का प्रशासन नहीं चाहता। कमलनाथ जी बीजेपी में आ रहे हैं। अरे वो आए नहीं आए, वो आपकी बात है, वो उनकी ने चौपट कर दिया। अच्छा, कांग्रेस को तो दिग्विजय सिंह दबा दिया। सबका कहना है कि दिग्विजय सिंह ने चौपट कर दिया पूरा मामला। नहीं डुबा दी, नहीं वो डुबा दी, यानी डुबा दी किसने डुबा दी है? वो तो नहीं, एक चीज बताइए, दिग्विजय सिंह मुझे एक चीज बताइए आप, क्या है ना आज आज महाराष्ट्र में जितने जितने भी दोषी थे सबको बीजेपी लेते जा रही, तो दूध की धुली हो गई है सब लोग। और कागज यार कांग्रेस में तो कहा उसके कागज है वो घोटालेबाज है। कांग्रेस ही आज रोड पे मारे मारे प्रे दिग्विजय सिंह बदौलत। आज दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी को नहीं भड़काते, कमलनाथ जी की समझ में नहीं आई, तो आज दिग्विजय सिंह जी ने पूरा चौपट कर दिया, पूरे कांग्रेस गड्ढे में चली। ये तो कह रहे कांग्रेस गड्ढे में चली गई। नहीं, गड्ढे अड्डे में सभा का सामने वो होता है, कभी ये दो पे थे, दो सीटों पे बीजेपी, आज का कहता है वो 400 के ख्वाब देख रही है। और नहीं आज बोलो, आज उनका है कल उनका भी आएगा। 370 का ख्वाब देख रही है, 400 तो बीजेपी की कांग्रेस की आ रही है। लाए कांग्रेस कैसे लाएंगे? ईवीएम से लाएंगे, कांग्रेस की नहीं कह रहे हम, ये कह रहे कागज ईवीएम को हटा के वोटिंग करवा लीजिए आप, ईवीएम हटा के बात कॉल करिए। युवा भी है जी सर, महंगाई बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर, टाइम से वैकेंसी नहीं आ रही है, हम लोग बहुत परेशान है। इस बार लगता है शायद कांग्रेस को ही वोट देंगे हम। बीजेपी की सरकार में पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं, हमें पेपर पहले मिल गया, कोई ऐसा कुछ नहीं है सर, वो ऐसा बताया गया आगे से पेपर लीक हो गया जी सर। इस बार कांग्रेस को ही देंगे हम, कांग्रेस को ही देंगे, कांग्रेस ही आएगी। और क्या लग रहा है इस बार किसका पल्ला भारी है, कौन जीत सकता है? इस बार जनता का पल्ला भारी है, जनता परेशान है बेरोजगारी से, महंगाई से और भ्रष्टाचार से। ग्वालियर, हम ग्वालियर में खड़े हुए हैं, यहाँ से 20 साल हो गए भाजपा को, रोजगार के कोई साधन नहीं दिए, केवल बातें हैं उनकी और बातें करते हैं केवल। देखो कांग्रेस एक क्रांति है, कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगी। सिंधिया जी भी चले गए थे तो क्या कांग्रेस खत्म हो गई थी? कांग्रेस जैसे ही और कोई जाएगा तो और बढ़ चढ़ के चुनाव लड़ेगी। आपने देखा होगा सिंधिया जी के जाने के बाद महापौर जीते 60 साल बाद, ऐसे ही फिर हम जीतेंगे अब की बार। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में कौन जीत रहा है, कांग्रेस बीजेपी? बीजेपी ही जीतेगी। तो बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है, कांग्रेस में भी तो थी, अभी तो मिल रही है ना। देखो सीधा सा ये है कि है ना, आत्मनिर्भर जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी पर ही रहे हैं आप, सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिल सकती। बात रही कि सरकार की बीजेपी सरकार क्यों आएगी, तो पहला है राम राज्य आया इस चक्कर में आई, अयोध्या में मंदिर बना है 500-400 सालों से, मतलब इतना वो करा है, संघर्ष करा है, इस चक्कर में राम राज्य आ रहा है, तो इस चक्कर में बीजेपी आएगी 100% आएगी। कांग्रेस कैसे बनवाती, उनने जब राम मंदिर बनना तो उनने 50 वकील अपने खड़े करे थे, और जब राम मंदिर बना तो वो काले कपड़े पहन के गए थे, कैसे बना देते? वो तो अपनी वोटिंग के लिए कर रहे हैं कि मंदिर में नहीं उसने दिया राहुल गांधी को, इसी चक्कर में नहीं उसने दिया। इस बार परिवर्तन है और जनता इस बार फिर से कांग्रेस को चाहती है कि आना चाहे, क्योंकि ये भाजपा जब से आई है तब से झूठे वादों पे टिकी हुई है। हम किसानों के आयोग को दुगनी करेंगे, आप दिल्ली का हालत देख लीजिए क्या हो रहा है, दिल्ली में यहाँ पे किसानों को देख लीजिए क्या हो रहा है, आप तो स्टेट वाइज भी आप देख लीजिए कि केंद्र में कौन बैठा हुआ है। केंद्र जो अपना कृषि मंत्री जी हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी पहले रहे थे, अब दूसरे हैं, ये सब लोग कोई भी सिर्फ अपना अपना जेबें भर रहे हैं, अपने अपने लोगों को काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, ठेके दे रहे हैं, टेंडर दे रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन इतना फैला रखा है, कहीं से कहीं तक कोई रोजगार के साधन नहीं है, और डीजल पेट्रोल इतना महंगा है। आप सब्जी का बाजार देख लीजिए, मंडी का भी, क्योंकि डीजल जब महंगा होगा, आयात निर्यात महंगा होता है, हर चीज़ में फर्क पड़ता है उसका। ये अंधभक्त जो होते हैं ना, इनसे मैं काफ़ी दूरी बना चुका हूँ। जिस दिन 100 रुपये आलू हो गया ना, उस दिन ये रोड पर आके रोने लगेंगे, छाती अपनी पीटने लगेंगे, कहने में वो करने में। जैसे भाजपा झूठ बोल के अपना राज कर रही है, हम ये करेंगे वो करेंगे कुछ नहीं करते, ऐसे अंधभक्त है, वो भी टोटल झूठ पे चलते हैं। आपके सामने 100 रुपए किलो बोलेंगे और लेंगे 100 रुपए किलो, कभी जिंदगी में नहीं खा पाएंगे वो आलू। किसका पलड़ा भारी दिख रहा है आपको? मोदी जी का। क्यों बनेगी, क्या कारण है? विकास के ऊपर बनेगी। क्या विकास हुआ है ग्वालियर में? क्या विकास? बहुत विकास हुआ है, रोड जो आज गड्ढे पड़े थे आज देखो रोड अच्छी रोड बन गई, एडी रोड जो पुल बन गया है, गरीबों का फायदा हो रहा है, गरीबों के लिए आवास मिल रहे हैं, मुफ्त में अनाज मिल रहा है, और क्या चाहिए। बेरोजगारी तो साहब कोई भी आया, चाहे कांग्रेस आया चाहे बीजेपी आया, बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती। कौन के बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े पैसे वाले, वो पहली टकारे बैठे हैं,
वहाँ गरीब जनता का गरीब, हम तुम चिल्लाते रहो कुछ नहीं होना। वही अडानी बैठा है, वही अम्बानी सब बैठे हैं, धीरू भाई अम्बानी बैठे सब बैठे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि कांग्रेस पार्टी भी जीत सकती है, बीजेपी भी जीत सकती है, लेकिन हकीकत में 2024 का जो पड़ रहा है वो किसकी ओर झुकेगा ये तो देखने वाली बात है। तो आप लगातार हमारे जनसारथी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और लगातार हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।